अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है एमिली का लिपस्टिक प्लस आईलाइनर ब्रश, और एक है हमारे पास फैन ब्रश जो हाइलाइटर ब्रश होता है। अच्छा, बहुत से लोग हाइलाइटर ब्रश जो है इस्तेमाल नहीं करते, वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं फिंगर से। बट जो प्रोफेशनल अगर आपको मेकअप करना है तो उसके लिए आपको 110% हाइलाइटर ब्रश इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। हाइलाइटर ब्रश आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज़ में, और आईलाइनर प्लस आईब्रो ब्रश, आईलाइनर प्लस लिपस्टिक ब्रश आपको मिल रहा है 80 रुपीज़ में। आप इसकी सॉफ्टनेस, स्मूथनेस चेक कर सकते हैं। ब्रश में सबसे जो हाई क्वालिटी बात होती है वो होती है उसके हेयर्स की। तो हम आपको 110 क्वालिटी प्राइस में, बहुत अच्छी प्राइस में, बहुत अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 180 रुपीज़ में। और ये ब्रश आपको मिल रहा है लिपस्टिक, आप चाहें तो उसको लिपस्टिक ब्रश बना लें, चाहे तो उसको आईलाइनर ब्रश बना लें, सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये में, यानी कि 80 रुपीज़ में। अगर चैनल पे न्यू है तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब मैं आपको रिव्यू करके दिखाने वाली हूँ हमारे लिपस्टिक यानी आईलाइनर ब्रश का। एमिली वालों का है ये, ब्रांडेड प्रोडक्ट है 80 रुपीज़ में। सारे प्रोडक्ट्स, सारे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट आपको मिलेंगे होलसेल रेट में। अगर आप इंटरेस्टेड बायर्स हैं तो जल्दी से हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें या हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट करें atharjaveria.com या फिर 0334223901। हमारे पास रीसेलर्स की ब्रॉडकास्ट भी अपडेटेड है। जो क्लाइंट जो कस्टमर जो रीसेलर हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाए। अब ये फॉर एग्जांपल 80 रुपीज़ का ब्रश है तो आप इसको आराम से 150 का सेल कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है 250 रुपये का। जो हम आपको 80 रुपीज़ में ब्रश प्रोवाइड कर रहे हैं ये मार्केट में मिलेगा आपको 250 रुपीज़ में। तो होप यू ऑल गाइज लाइक आर एफर्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आर चैनल। आज की अच्छी बात मैं आपको बताना भूल गई हूँ। आज की अच्छी बात ये है, जब सारी दुनिया आपसे मुंह फेर लेती है उस वक्त भी अल्लाह पाक आपका साथ देता है। ये दुनिया फ़ानी है और अल्लाह इस जहान में भी और उस जहान में अपने बंदों के साथ है। तो आपको भी अल्लाह का साथ देना है। जिस मकसद से हम इस दुनिया में आए वो तो मकसद पूरा करना है हमको।